ग्लोबल मार्केटिंग एंड द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल वर्सेस रेगुलर मार्केटिंग। इन ग्लोबल मार्केटिंग द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज आर आउटसाइड द होम मार्केट। ग्लोबल मार्केटिंग में जो भी मार्केटिंग का स्कोप होगा वो होम कंट्री की बाउंड्री से बियॉन्ड होगा। और रेगुलर मार्केटिंग को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सो आई एम नॉट फीलिंग एनी नीड टू डिस्कस इट। अगेन इन दिस स्लाइड वी आर हैविंग द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग फॉर योर रेफरेंस। वैल्यू चेन बेसिकली इज द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इन ऑर्डर टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैल्यू फॉर द कस्टमर। एंड वैल्यू प्रोपोजिशन इज प्रॉमिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल प्रोवाइड पर्टिकुलर बेनिफिट टू द कस्टमर। वैल्यू प्रोपोजिशन इज रिलेटेड टू परसीव वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स परसीव वैल्यू, क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स और रिड्यूसिंग प्राइस। व्हेन एवर कंपनी वॉन्ट टू इंक्रीज वैल्यू फॉर कस्टमर, इट ईदर इम्प्रूव इट्स बेनिफिट्स और रिड्यूस प्राइस। जब भी कंपनी ने वैल्यू को इंक्रीज करना है तो या कंपनी बेनिफिट्स को इंक्रीज कर देगी या फिर प्राइस को रिड्यूस कर देगी।
वैल्यू को, परसीव्ड वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को अपग्रेड करती है, उसमें मोर क्वालिटी ऐड करती है, फीचर ऐड करती है। मोर ओवर इट कैन फाइंड न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो भी एड अप कर सकती है। बेटर कम्युनिकेशन वेज है, मोड्स हैं, उनको भी इम्प्रूव कर सकती है, ऐड कर सकती है। इट ऑल्सो कैन कट मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी कॉस्ट एंड प्राइसेस। मॉनिटरी कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो भी प्राइस है उसको कम कर सकती है। नॉन मॉनिटरी कॉस्ट का मतलब ये है कि जो कस्टमर के अदर आउटलेज होते हैं, अदर आउटलेज का क्या मतलब है कि कंपनी की प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कस्टमर को ट्रैवल करना पड़ेगा, उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट है, उनको किसी प्लेस पे जाके, लेट सपोज दे हैव टू वेट फॉर बाइंग द प्रोडक्ट, अगर उन्हें प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वेट करना है तो ये भी उनका अदर आउटले है, नॉन मॉनिटरी कॉस्ट है। उनको फैटीग होगी, उनका टाइम लगेगा, उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये लगेगा, ठीक है। तो जब भी कंपनी ने परसीव्ड वैल्यू को इम्प्रूव करना है तो वो प्राइस को डायरेक्ट कट भी कर सकती है, या फिर अदर आउटलेज हैं उनको भी कट डाउन कर सकती हूँ। ग्लोबल इंडस्ट्रीज, एन इंडस्ट्री इज ग्लोबल टू द एक्सटेंट दैट अ कंपनीज इंडस्ट्री पोजिशन इन वन कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट विद इट्स इंडस्ट्री पोजिशन इन एन अदर कंट्रीज। इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं? रेशो ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, कि क्रॉस बॉर्डर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है टू टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो रही है। देन प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल कंपनीज, के एक इंडस्ट्री में टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है सारी कंपनी से दैट कम्पीट इन अ वर्ल्ड रीजन, के की वर्ल्ड रीजन का मतलब है जो पूरी दुनिया के मेन मेन रीजन्स हैं उनमें से सारी कंपनीज ने ओवरऑल कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। रेशियो ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड टू वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, कि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जितनी हुई है उसमें से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसकी क्या रेशियो है। इफ वी टेक द फिगर ऑफ कोका कोला, देन कोका कोला हैज स्पेंड अराउंड 5 बिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड ऑन प्रमोशन एंड मार्केटिंग इन 2010। कोका कोला की अगर हम एग्जांपल दें तो कोका कोला ने 2010 में अराउंड 5 बिलियन डॉलर की वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में प्रमोशन की है अपनी प्रोडक्ट्स की। दैट्स अ बिग फिगर या रियली। कंपेटिटिव एडवांटेज, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इंडस्ट्री। इफ वी वांट टू गेट कंपेटिटिव एडवांटेज इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज देन व्हाट वी हैव टू डू, सोल्यूशन इज वी नीड टू बी मोर फोकस्ड। एंड वर्ड फोकस मीन्स टू से कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन ऑन कोर बिजनेसेस एंड कॉम्पिटेंसीज। हम कंपेटिटिव एडवांटेज ग्लोबल इंडस्ट्री में तभी अचीव कर सकते हैं जब हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, अटेंशन पे करेंगे अपने कोर बिजनेस प्रोसेसेस की तरफ एंड कॉम्पिटेंसीज की तरफ। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ नेस्ले, देन नेस्ले इज फोकस्ड। हाउ नेस्ले एक्सप्लेन्ड इट, नेस्ले ने इसको एक्सप्लेन किया कैसे। वी आर फूड एंड बेवरेजेस, हम फूड में बेवरेजेस में डील करते हैं। वी आर नॉट रनिंग बाइसिकल शॉप, फोकस क्या मतलब, उन्होंने स्पेसिफाई कर दी अपनी इंडस्ट्री को कि आर इंडस्ट्री इज फूड एंड बेवरेजेस, हमारी फूड एंड बेवरेजेस है, हम कोई बाइसिकल शॉप को रन नहीं करते इवन इन फूड। अब फूड इंडस्ट्री में फर्दर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि वी आर नॉट इन ऑल फील्ड्स, फूड में भी हम सारी फील्ड्स में नहीं है, देर आर सर्टन एरिया वी डू नॉट टच। फूड इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको हमने टच नहीं किया। वी हैव नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स उनकी कोई नहीं है, बिकॉज आई हैव सेड
वी विल इधर बाय कोका कोला और वी लीव इट अलोन, दिस इज फोकस। तो उन्होंने कहा है कि या फिर हम कोका कोला को बाय करेंगे या फिर उसको हम छोड़ देंगे, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में डील नहीं कर रहे। ये उनके चेयरमैन का स्टेटमेंट था, नेस्ले के चेयरमैन का मेंशन आपको किया गया है नीचे रेफरेंस।